दोस्तों, तो ये रहा Realme पावर बैंक 2 और आज मैं करूंगा इसकी अनबॉक्सिंग और साथ ही में इसकी डिटेल में बताऊंगा आपको रिव्यू कि कितने देर में चार्ज होता है, कैसा चार्जिंग टाइम है, सब कुछ कैसे प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और ये जो Realme पावर बैंक 2 है इसकी प्राइस 1000 रुपये है। जो पहला वाला Realme पावर बैंक था वो बिल्कुल ऐसे दिखता था लेकिन उसकी प्राइस 1300 रुपये थी, इसकी प्राइस 300 रुपये कम हो चुकी है। अब यहाँ पर जरूरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं किसी भी चाइनीज़ ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा काम है। तो ऐसे में बहुत से प्रोडक्ट आएंगे, वो चाइनीज़ हो सकते हैं, ताइवानीज़ हो सकते हैं, इंडियन हो सकते हैं, तो मेरा काम है आपको सही इन्फॉर्मेशन देना। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको क्या चीज़ खरीदना है और क्या नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरा दूर से देखना, रिव्यू के साथ ही साथ अनबॉक्सिंग भी रहेगी तो डिटेल में आपको मिलेगा सब कुछ समझने के लिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये है Realme पावर बैंक 2 और इसकी कैपेसिटी है 10,000 mAh की। येलो बॉक्स है ये और यहाँ पे पीछे मेंशन है कि 18W क्विक चार्ज को सपोर्ट करता है और यहाँ पे लो करंट मोड भी है जिससे आप अपने ब्लूटूथ हेडफोन वगैरह ईयरबड्स वगैरह लो पावर मोड में आप इसे चार्ज कर सकते हो। साथ ही में टाइप सी का पोर्ट है जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों ही सपोर्ट करता है। 12 लेयर ऑफ सर्किट प्रोटेक्शन भी है। हाई डेंसिटी लिथियम पॉलीमर बैटरी भी है इसके अंदर और ड्यूल आउटपुट साइमल्टेनियसली आप चार्ज भी कर सकते हो, यानी कि दो फ़ोन आप चार्ज कर सकते हो एक साथ में। यहाँ पे जो प्राइस है वो 1300 रुपये मेंशन की गई है लेकिन अगर आप देखो तो इसकी प्राइस 1000 रुपये ही है। अब चलिए इसे करते हैं हम अनबॉक्स और देखते हैं इसमें कैसी इसकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ। तो ये रहा Realme का पावर बैंक, येलो कलर में है और यहाँ पे ब्लैक कलर में Realme की ब्रांडिंग है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है यूज़र मैनुअल और यहाँ पे सेफ्टी वार्निंग्स है, तो आप इसे ज़रूर से पढ़ लेना कि कैसे यूज़ वगैरह करना है, क्योंकि इसमें बैटरी होती है और ये थोड़ा सा सही से अगर प्रॉपर यूज़ करो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये है पावर बैंक, इसे हम साइड में करते हैं। और ये है केबल जो कि थोड़ी सी अलग और यूनिक लगती है, जो कि Realme की पहले पावर बैंक में नहीं थी। अब यहाँ पे ख़ास बात क्या है, तो ये आप देख सकते हो कि टाइप सी का पोर्ट भी है और ये है माइक्रो यूएसबी पोर्ट भी। ओके, ये हम इसे साइड में रखते हैं। ये है Realme की पावर बैंक, लाइट वेट है बहुत ही और हाथ में बहुत अच्छा फील होता है, स्लीपर ही नहीं है। इसका वेट जो है 216 ग्राम के आसपास है, यानी कि मोबाइल स्मार्टफोन के लगभग ही है। आजकल जो स्मार्टफोन आ रहे हो 210 220 ग्राम के आ रहे हैं, तो वैसे ही लगभग इसका वेट है, ज़्यादा हीवी नहीं है, पतली है और स्लिम और हल्की भी है। तो यहाँ पे इसके अंदर आपको टेक्सचर्स डिज़ाइन मिलती है इस तरह से आप देख सकते हो, तो इसमें कोई फिंगरप्रिंट नहीं आते और स्लीपरी भी नहीं है इस तरह से देखो तो। 10000 mAh की यहाँ पर बैटरी मेंशन की गई है, ऐसे आप देख सकते हो। ये है पोर्ट, ये टाइप ए का पोर्ट है और ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि आउटपुट और इनपुट दोनों, ये तो टाइप सी पोर्ट है तो आप इससे जो है वो चार्जिंग कर भी सकते हो और इसको चार्जिंग भी ये यहाँ से करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एलईडी लाइट्स इंडिकेटर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लिंक हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो है वो 25% 50% 75% और 100%। तो यहाँ पे ये जो है चौथा जो लाइट है ये 100% तक चार्ज दिखाता है, इस तरह से ये चार्जिंग की इंडिकेटर लाइट्स है। और यहाँ पे आप इसे अगर दो बार टैप करते हो तो आपका जो है वो लो पावर मोड भी ऑन हो जाता है और फिर आप जो है वो अपने जो कम पावर वाले जो हेडफोन ईयरबड्स वगैरह है उसे चार्ज कर सकते हो एक बार इसे, और बाद में एक टैप करने के बाद में नॉर्मल मोड में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये एक्चुअल में जो है बेनिफिट कैसा है इसके अंदर। आप अगर आप देखो तो ये जो केबल है इसका एक ऐसा फ़ायदा है कि आप इसे कनेक्ट करते हो इस तरह से, और ये रहा स्मार्टफोन। अगर इसे टाइप सी का पोर्ट है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में माइक्रो यूएसबी पोर्ट है तो आप यहाँ से इसे लगा करके चार्ज कर सकते हो, तो ये ड्यूल काम करता है। और यहाँ पे अगर बात करें तो इसी से ही बैटरी जो है वो चार्ज भी हो जाती है इस तरह से। ये देखिए हमने लिया कनेक्ट चार्जर को और यहाँ से इस बैटरी को हम यहाँ पे टाइप सी पोर्ट के जरिए से चार्ज कर सकते हैं। ओके, इसे प्लग इन किया हमने और इसे चार्ज किया, तो लगभग ये जो चार्ज होने में, अगर ये 18W का फास्ट चार्जर है तो लगभग 4 घंटे से कम यानी 3.5 घंटे में फुल्ली चार्ज हो जाता है। अगर आपका पावर बैंक जो है वो आप 15W से चार्ज कर रहे हो चार्जर से, तो 4 घंटे से ऊपर लेता है, 4.25 घंटे। और अगर आप 10W के चार्जर से चार्ज करते हो 4.5 घंटे का वक्त लगता है इसे चार्जिंग होने में। ओके, अब यहाँ पर एक अच्छी बात एक कि इसमें आपको टाइप सी का पोर्ट देखने मिलता है चार्जिंग वाला, तो आप यहाँ पर एक और कर सकते हो कि अगर ये केबल आपको छोटी लग रही है तो आप की जो मोबाइल फ़ोन की जो केबल होती है उससे भी इसे इजीली आप चार्ज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमने इसे लगाया इस तरह से और ये चार्जर में लगाई इस तरह से प्लग इन किया, और इतनी बड़ी केबल आपको
यूज़ करने मिलती है, क्योंकि अगर माइक्रो यूएसबी होती तो फिर आपको अलग से एक माइक्रो यूएसबी केबल जो है आपको हैंडल करना पड़ती थी साथ में। लेकिन टाइप सी केबल आजकल सभी फ़ोन में आ रही है, टाइप सी पोर्ट आ रहा है, तो आपके पास में जनरली ऐसे चार्जर होते हैं तो आप इससे कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हो। अब यहाँ पे इसकी एक्चुअल में कैपेसिटी जो है 10 RAH की है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ये जो पावर बैंक की जो एक्चुअल आउटपुट कैपेसिटी होती है वो 6200 mAh की है, यानी कि ये फ़ोन है 4000 mAh बैटरी के साथ में, तो ये फ़ोन एक बार 100% फुल्ली चार्ज होगा, उसके बाद में फिर और 50% होगा, यानी कि एक बार फुल चार्ज होगा उसके बाद में 50% या आधा चार्ज होगा। तो यानी कि आप इसे डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि 6200 mAh की है तो आपके फ़ोन में अगर 2000 mAh की बैटरी तो 3 बार ये फुल्ली चार्ज होगा फ़ोन, आपके फ़ोन में 3000 mAh की बैटरी है तो वो 2 बार चार्ज होगा, और ये फ़ोन अगर 6000 mAh बैटरी वाला होता है जैसे सैमसंग की फ़ोन है M31 वगैरह जो भी है, तो वो फ़ोन एक ही बार चार्ज होगा, क्योंकि इसकी रियल में आउटपुट जो है वो 6200 mAh ही देता है। तो ये कोई भी पावर बैंक अगर आप ख़रीदते हो जो कि रेडमी, रियलमी या फिर सिस्का वगैरह कोई भी हो, उसका एक्चुअल में आउटपुट 10 RAH का नहीं होता। अगर बैटरी 10 RAH दिखा भी रही है तो एक्चुअल में आउटपुट 6200 या फिर 6500 mAh ही रहता है। तो ये आपको थोड़ा समझना है। ये बहुत ही स्लिम है, आप देख सकते हो इस तरह से, फ़ोन से भी छोटा है थोड़ा सा ये, और स्लिम भी है। ओके, तो ये हैंडी भी है और अच्छा भी है। तो यहाँ पे इसे 12 लेयर सर्किट प्रोटेक्शन भी दिया गया है, तो एक्चुअल में यहाँ पे आपको जो है वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे इसे ख़रीदना नहीं ख़रीदना ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये मेरा काम था, मैंने आपको डिटेल में इसका रिव्यू बताया है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो मुझे ज़रूर से पूछना। और इस आप पावर बैंक से साथ में आप कोई भी मोबाइल चार्ज कर सकते हो, और लगभग मैंने इसके साथ में इस फ़ोन को भी चार्ज किया था तो लगभग ये 2.5 घंटे में फुल्ली चार्ज हो गया था। तो आप कोई भी फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे चार्जिंग का स्पीड, जैसे आप अगर इस चार्जर से चार्ज करते हो, ये 18 वाट का फास्ट चार्जर है, इसका जो आउटपुट आएगा तो इससे भी आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग आउटपुट मिलने वाला है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 18 वाट फास्ट चार्जिंग का आउटपुट ये देता है, तो आप इसी स्पीड से किसी भी फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। ओके, तो ये था अनबॉक्सिंग वाला वीडियो और साथ ही में रिव्यू, तो मैंने सब कुछ यहाँ पे कवर किया है। अगर कोई सवाल छूट गए हो तो मुझे उसे बताना, और आपके कोई भी सवाल हो, कुछ सुझाव हो, कुछ भी हो, कुछ भी आपको लगता है कि क्या और कुछ चीज़ें इसमें रह गई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय दोस्तों।